हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम क्लास 12 की इंग्लिश की चैप्टर 5 इंडिगो का थर्ड पार्ट कवर करेंगे, जहां पर हम 52 से 54 पेज नंबर कवर करेंगे। अब तक की स्टोरी में हमने क्या पढ़ा है, आइए एक रिकैप देख लेते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा कि हमारे जो राइटर हैं लुई फिशर, वो गांधी जी को मिलने गए थे उनके आश्रम सेवाग्राम में इन द ईयर 1942। तब गांधी जी ने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसकी वजह से मैंने ब्रिटिशर्स को कहा कि इंडिया छोड़कर जाओ। वो इंसिडेंट हुआ था 1917 में, वो था चंपारण का इंसिडेंट। और फिर वो उन्हें डिटेल्स बताते हैं कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक पुअर पेजेंट था, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की दिसंबर 1916 की कन्वेंशन में गांधी जी से मिला और उसने गांधी जी से रिक्वेस्ट की चंपारण चलने की। बहुत टालमटोल करने के बाद फाइनली गांधी जी को उनके साथ चंपारण जाना पड़ा। ऑन द वे गांधी जी पहले पटना गए, वहां पर वो लोग राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय बहुत फेमस लॉयर थे, उनके घर पर गए। राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। फिर वो दोनों, यानी कि राजकुमार शुक्ला जी और गांधी जी, चंपारण के लिए चल पड़े। रास्ते में मुजफ्फरपुर आता था, गांधी जी वहां रुके ताकि वो कुछ और लोगों से मिलकर इस प्रॉब्लम के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सके। अब बहुत सारी अड़चनें आई, बहुत सारी जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोशिश की कि वो गांधी जी को वापस भेज दें। गांधी जी को इस सब में पड़ने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की, गुंडों को भी हायर किया, लेकिन गांधी जी पीछे नहीं हटे। उनका यही एम था कि ये जो गरीब पेजेंट्स हैं उनकी मदद करना है। तो गांधी जी ने जितने भी लॉयर्स थे जो इन पेजेंट्स के केसेस लड़ते थे, उनसे भी पूछताछ की कि आखिर मामला क्या है। तो क्या पता चला कि जितने ये पेजेंट्स हैं, ये लोग शेयर क्रॉपर्स की तरह काम करते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे आर टेनेंट्स ऑन द फार्म्स विच आर ओन्ड बाय द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स देम टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% और 3/20th पोर्शन ऑफ देयर लैंड होल्डिंग, एंड दे हैव टू सबमिट द एंटायर हार्वेस्ट ऑफ इंडिगो एज रेंट। नाउ दिस वॉज अ वेरी ओल्ड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टेनेंट्स, that is the sharecroppers and the landlords. अब क्या हुआ, with the passage of time, Germany ने एक synthetic indigo develop कर ली and the British landlords did not want the Indian indigo anymore. So what they did, they told the tenants that okay, we will free you from the contract of 15% portion of land where you have to cultivate indigo, और उसके बदले में तुम्हें हमें compensation देनी पड़ेगी। बहुत सारे पेजेंट्स ने तो रिजिस्ट किया, वो कॉम्पेंसेशन पे नहीं करना चाहते थे, लेकिन डर के मारे उन्होंने पे कर दी। और बहुत सारे ऐसे पेजेंट्स थे जिन्होंने अभी कॉम्पेंसेशन पे नहीं की थी, वो कोर्ट में भी जा रहे थे मदद मांगने के लिए। तो जब गांधी जी को ये पता चला कि कोर्ट जाने के लिए उनको बहुत बड़ी फीस पे करनी पड़ती है वकीलों को, तो गांधी जी ने कहा कि अब से पेजेंट्स कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। वो बेचारे इतने डरे हुए हैं, इतने ऑप्रेस्ड हैं कि जब तक वो अपने डर से बाहर नहीं निकलेंगे, उनकी कोई मदद नहीं हो सकती, उनकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो सकती। तो गांधी जी ने सारे लॉयर्स को भी डांटा कि तुम लोग इन गरीब पेजेंट से इतनी बड़ी फीस लेते हो। ऐसी सिचुएशन बन गई कि ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को गलत साबित किया कि उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना था, जिस ऑर्डर में कहा गया था कि उन्हें चंपारण छोड़कर वापस जाना है। तो अगली सुबह क्या होता है, चंपारण के कैपिटल मोतिहारी में बहुत सारे हजारों की तादाद में पेजेंट्स आ जाते हैं गांधी जी के लिए सपोर्ट शो करने के लिए, क्योंकि जब गांधी जी कोर्ट जाते हैं तो ये डर होता है कि कहीं उन्हें पुलिस अरेस्ट ना कर ले। इतनी सारी भीड़ देखकर सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स डर गए और उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये सब लोग उनके अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। तो जो गरीब पेजेंट है उसका डर कम हुआ और गरीब पेजेंट्स ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सर उठाने की हिम्मत की। गांधी जी कहते हैं कि ये पहली विक्ट्री थी क्योंकि अब उन लोगों का डर कम हो गया था। फिर गांधी जी ने सारे लॉयर्स से पूछा कि अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे। एक बहुत ही बड़े लॉयर ने कहा कि वो लोग तो गांधी जी को एडवाइस करने के लिए आए थे, और अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो वो लोग वापस चले जाएंगे अपने घर। तो गांधी जी ने कहा कि पुअर पेजेंट्स का क्या होगा, तो उन सब ने आपस में डिस्कशन की और फिर उन्होंने गांधी जी को कहा कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो हम सब भी कोर्ट अरेस्ट कर देंगे। गांधी जी ने कहा कि अरे वाह, तो अब तो हम चंपारण का बैटल जीत गए हैं। तो गांधी जी ने उन सब लॉयर्स के पेयर्स बना दिए कि किस, और उन्हें बताया कि किस ऑर्डर में आप लोग कोर्ट अरेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांधी जी को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उनके खिलाफ जो केस था
वो ड्रॉप कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है। और गांधी जी ने ये अनाउंस किया कि पहली बार भारत में सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई है। मीन्स अगर गांधी जी ने उस ऑर्डर को ऑबे करने से मना भी कर दिया था तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनका कुछ बुरा नहीं किया, उनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं की, उन्हें फ्री कर दिया। क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि गांधी जी के इतने सारे सपोर्टर्स हैं कि अगर वो गांधी जी को जेल में डाल देंगे तो जो लोगों का प्रोटेस्ट होगा उसे वो संभाल नहीं पाएंगे। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी और उनके सपोर्टर्स ने चंपारण में वॉर फुटिंग पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स की इंटरव्यूज ली, एविडेंस कलेक्ट की ये जानने के लिए डिटेल में कि आखिर उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। और चंपारण में जितने लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी इन पीजेंट्स की मदद करें। अब हम स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। इन जून गांधी वॉज समंड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। समंड मीन्स कॉल्ड अपॉन, एक ऑफिशियल नोटिस भेजना, या जैसे कोर्ट का जो नोटिस जाता है बुलाने के लिए किसी को, उसे समन कहते हैं। तो ऐसे ही जून के महीने में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने बुलाया। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। अब जाने से पहले गांधी जी ने दोबारा से सभी लीडिंग एसोसिएट्स को बुलाया। लीडिंग एसोसिएट्स यहाँ पर कौन थे? जो बहुत ही फेमस लॉयर्स थे जो पटना से आए थे गांधी जी की मदद करने के लिए। एक बार फिर से गांधी जी ने उन सबको बुलाया और एक प्लान, बहुत ही डिटेल्ड प्लान बनाया कि अगर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो वापस नहीं आते हैं, तो फिर ये सब लोग भी सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, यानी कि ये सब लोग भी कोर्ट अरेस्ट करेंगे इन ऑर्डर टू शो सपोर्ट विद गांधी जी। गांधी हैड फोर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper's situation. Protracted means very long. आपकी जो estimated duration है उससे भी ज्यादा लंबा होना, means protracted interview. गांधी जी की lieutenant governor गेट के साथ चार बहुत ही लंबी लंबी discussions हुई, interviews means मुलाकातें हुई, और फिर lieutenant governor ने एक official commission of inquiry बिठाई ये जानने के लिए कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। सोल मींस ओनली। तो ये जो कमीशन है इसमें कौन कौन था? इसमें लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और गांधी जी भी थे, जो कि इन पीजेंट्स के एक अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल shorter visits. इनिशियली गांधी जी चंपारण में रहे कंटिन्यूअसली फॉर 7 months. अनइंटरप्टेड means कंटिन्यूअसली। तो कंटिन्यूअसली वो चंपारण में रहे थे 7 महीनों के लिए, और उसके बाद बहुत बारी वो फिर से आए shorter visits पर। The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. Entreaty means a humble request. किसने की थी entreaty? राजकुमार शुक्ला ने, जो एक unlettered peasant था, यानी कि जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब गांधी जी की यह जो चंपारण विजिट है ये उन्होंने क्यों की थी? Because of the humble request of Rajkumar Shukla, who was an uneducated peasant. और गांधी जी ने ये सोचा था कि ये जो विजिट है ये कुछ दिनों के लिए चलेगी, लेकिन इस इंसिडेंट ने उनकी लाइफ का ऑलमोस्ट 1 साल ले लिया। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. Crushing mountain means huge amount, very big amount. अब जो official inquiry बिठाई गई थी उन्होंने assemble यानी के gather किया एक बहुत ही huge amount of evidence. उन्होंने बहुत सारे ऐसे सबूत इकट्ठे किए जो के planters के खिलाफ थे, landlords के खिलाफ थे,
और जब उन्होंने ये सबूत देखे तो प्लांटर्स ने एग्री कर दिया कि वो पेजेंट्स को मनी रिफंड करेंगे, पैसे वापस देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। प्लांटर्स ने गांधी जी से पूछा कि हमें कितना अमाउंट वापस करना होगा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। डिसीटफुली मीन्स इन अ डिसऑनेस्ट वे एंड एक्सटॉर्टेड मीन्स टेकन बाय फोर्स। लैंडलॉर्ड्स को यह लग रहा था कि गांधी जी 100% मनी का जो अमाउंट है वो रिफंड में मांगेंगे, वो पैसे जो कि इन लैंडलॉर्ड्स ने प्रिजेंट से धमकी से जोर जबरदस्ती से चीटिंग से निकलवाए थे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% अमाउंट रिफंड मांगा। देयर ही सीम्ड एडमेंट। एडमेंट मीन्स बेंट अपॉन समथिंग, जिद्दी हो जाना, अड़ जाना। ऐसा लग रहा था कि 50% अमाउंट से गांधी जी और नीचे नहीं जाएंगे। उन्होंने अड़ पकड़ ली थी कि उन्हें 50% अमाउंट रिफंड चाहिए। ये लिखा है किसने? रेवरेंड जे जेड हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। रेवरेंड मीन्स रिस्पेक्टेड। मिशनरी इज अ पर्सन, स्पेशली अ रिलीजियस पर्सन, who is spreading his religion in a foreign country and this religion is basically Christianity. तो क्रिश्चियनिटी के मैसेंजर्स जो अपने धर्म को और देशों में प्रीच करते हैं उन्हें हम मिशनरीज कहते हैं। एपिसोड here means the entire happening of the Champaran incident and close range means closely, पास से। अब जो रिस्पेक्टेड जे जेड हॉज हैं, जो एक ब्रिटिश मिशनरी थे, चंपारण में रहते थे, उन्होंने चंपारण का पूरा एपिसोड क्लोजली देखा था और वो ये कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि गांधी जी जिद्दी थे कि उन्हें 50% रिफंड चाहिए ही चाहिए। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, thus breaking the deadlock. Not give way means he will not accept something. Amazement means surprise or shock. Took him at his word means जैसे ही उसने वो word utter किया, गांधी जी ने उसका वर्ड एक्सेप्ट कर लिया। ब्रेकिंग द डेडलॉक मींस एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन है। स्टैंड स्टिल मींस कुछ भी नहीं हो रहा, सिचुएशन एक ही जगह पर अटकी हुई है। ऐसी स्टैंड स्टिल सिचुएशन को तोड़ देना, एंड कर देना। टू एंड अ स्टैंड स्टिल सिचुएशन मींस टू ब्रेक द डेडलॉक। अब फर्दर ये मिशनरी कहते हैं कि जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें लग रहा था कि गांधी जी उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने ये ऑफर दी कि हम 25% अमाउंट रिफंड कर देंगे। गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने एकदम से उसकी बात मान ली और वो बहुत सरप्राइज था, बहुत हैरान था। और ऐसा करके जब गांधी जी ने मान लिया कि ठीक है आप हमें 25% पैसे ही वापस दे दीजिए, गांधी ने ये स्टैंड स्टिल सिचुएशन को खत्म कर दिया। This settlement was adopted unanimously by the commission. Unanimously means without opposition, with the agreement of all the people who are involved, and adopted means accepted. ये जो सेटलमेंट है कि 25% पैसे रिफंड किए जाएंगे, इसे सब लोगों ने, कमीशन के जितने मेंबर्स थे सब ने एक्सेप्ट किया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर part of the money and with it part of their prestige. Prestige means self-respect. Gandhi ji कहते हैं कि refund का amount इतना important नहीं है, चाहे वो 25% पैसे ही वापस दे रहे हैं, लेकिन जब वो पैसे वापस दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो ये accept कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलती की थी। यानी कि वो अपने पैसे तो वापस दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिससे कि वो सोचते हैं कि वो बहुत सुपीरियर है, बहुत सही है, वो भी वो पार्ट विद कर रही हैं, वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि उनकी कोई गलती थी, तभी वो पैसे वापस कर रहे हैं।
तो उनकी अपनी गलती की एक्सेप्टेंस ज्यादा बड़ी चीज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. अभी तक क्या होता था, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट्स के साथ ऐसा बिहेव करते थे कि जैसे कि लैंडलॉर्ड्स के ऊपर कोई लॉ अप्लाई ही नहीं होता है. वो ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि वो लॉ के ऊपर के कोई लॉर्ड्स हैं, वो कोई भगवान है, उनके ऊपर कोई लॉ कोई कानून नहीं अप्लाई होता. लेकिन अब जब उन्हें पैसे रिफंड करने पड़े तो इससे क्या हुआ, इससे पीजेंट्स में हिम्मत आई और उन्हें लगा कि कोई ऐसा लॉ है जो कि इन लैंडलॉर्ड्स पर अप्लाई हो सकता है और लैंडलॉर्ड्स को भी अपनी गलती के लिए वापस से पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है. Now the peasant saw that he had rights and defenders. He learned courage. अब peasant को ये दिखने लग गया कि उसके भी कुछ हक हैं, कोई ऐसे लोग भी हैं जो कि उसे डिफेंड कर सकते हैं. और अब उसे ये लगा कि अब वो oppressed नहीं है, ऐसा नहीं है कि landlords उनके साथ कुछ भी जास्ती कर सकते हैं. इससे उनमें courage आया, उनको धैर्य मिला और उनमें हिम्मत भी आई. Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. Abandoned means they left. उन्होंने उसे खाली कर दिया. And reverted means went back. Future में जो events हुए उनसे भी पता लग गया कि गांधी जी ने जो peasants का पक्ष लिया था वो सही था. कुछ सालों बाद British planters अपने estates को छोड़कर वापस चले गए. और ये जो एस्टेट्स है, जो लैंड होल्डिंग्स हैं, वो वापस पेजेंट्स के पास चली गई. मींस अब पेजेंट्स टेनेंट नहीं थे, वो लैंड के ओनर बन गए थे. और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी खत्म हो गया. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस. कंटेंटेड मींस सैटिस्फाइड. यहां पे लुई फिशर बताते हैं कि गांधी जी का एम कभी भी ये नहीं था कि उन्हें पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक सॉल्यूशंस चाहिए. वो कभी भी ऐसा एम नहीं रखते थे. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली. गांधी जी ने ये देखा कि चंपारण के गांव में सब लोग बहुत बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए हैं. वहां कल्चरल बैकवर्डनेस है, सोशल बैकवर्डनेस है और गांधी जी इसको ठीक करना चाहते थे. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मेन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क्स. डिसाइपल्स मींस फॉलोअर्स. गांधी जी के दो फॉलोअर्स थे जिन्होंने रिसेंटली गांधी जी को ज्वाइन किया था. एक है महादेव देसाई एंड द सेकेंड वन इज नरहरि पारेख. वो दोनों ने वॉलंटियर किया और उन्होंने चंपारण में टीचर्स का काम किया. साथ में उनकी वाइव्स ने भी वॉलंटियर किया. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. तो इंडिया के और दूर दूर इलाकों से, बॉम्बे पूना से और बहुत सारे volunteers चंपारण आए. देवदास गांधी's youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी. तो गांधी जी के सबसे छोटा बेटा देवदास और गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी भी वहां पर आए. Primary schools were opened in 6 villages. कस्तूरबाई taught the आश्रम rules on personal cleanliness and community sanitation. अब चंपारण के 6 गांव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल्स खोले गए. कस्तूरबाई वहां पर लोगों को आश्रम के जो रूल्स थे पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में, सैनिटेशन के बारे में, वो सब वहां पर चंपारण के लोगों को सिखाती थी. हेल्थ conditions were miserable. Miserable means very bad. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू volunteer his services for 6 months. अब चंपारण में हेल्थ conditions बहुत खराब थी तो गांधी जी ने एक volunteer डॉक्टर को भी बुलाया जिसने 6 महीने के लिए चंपारण में काम किया. 3 medicines were available, castor oil, quinine and sulfur ointment. तो वहां पर उस डॉक्टर के पास 3 दवाइयां अवेलेबल थी. उनके नाम क्या है, ये है castor oil, next is quinine and the third one is sulfur ointment. इनका यूज कैसे होता था, एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनीन प्लस कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. तो ये 3 तरह से वो लोगों का ट्रीटमेंट करते थे. अगर किसी की टंग के ऊपर कोई कोटिंग थी उसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था.
अगर किसी को मलेरिया बुखार होता था उसे कैस्टर ऑयल के साथ कुनीन की गोलियां दी जाती थी। अगर किसी की स्किन पर कोई इरप्शंस थी उसे ऑइंटमेंट दिया जाता था, सल्फर ऑइंटमेंट और साथ में कैस्टर ऑयल। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स, फिल्दी मीन्स वेरी डर्टी। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। गांधी जी ने देखा कि चंपारण में जो विलेज में वुमेन थी उनके कपड़े बहुत मैले होते थे। उन्होंने कस्तूरबाई को कहा कि उनसे डिस्कशन करो, उन्हें भी साफ सफाई सिखाओ। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हार्ट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन आई हैव। अब वहां की एक लेडी कस्तूरबाई को अपने हट में, अपनी झोंपड़ी में ले गई और वो उन्हें दिखाती है कि देखो कपड़े रखने के लिए हमारे पास कोई डब्बा, बॉक्स या अलमारी नहीं है और मैंने जो साड़ी पहनी है ये एक ही साड़ी है जो मेरे पास है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। अब गांधी जी चंपारण में थे और उनका आश्रम था गुजरात में सेवाग्राम में, तो इतनी दूर से भी उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस वॉच रखी अपने आश्रम पर। वहां पर जो कामकाज हो रहा था वो उस पर भी निगरानी रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब वो इंस्ट्रक्शंस कैसे भेजते थे, मेल में, और मेल में ही उन्हें अपने आश्रम के फाइनेंशियल अकाउंट्स भी आते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंस दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। अब ओल्डन टाइम्स में ड्रेनेज सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, तो विलेजेस में क्या होता था, वॉशरूम जाने के लिए, लैट्रिन के लिए ट्रेंचेस यानी के पिट्स खोदे जाते थे और टाइम के साथ वो क्या करते थे, पुराने पिट्स को भर देते थे मिट्टी से और उन्हें बंद कर देते थे और न्यू पिट्स को डिग करते थे। तो गांधी जी ने चंपारण में लोगों को समझाया कि अब तुम्हें इन पिट्स को बंद कर देना चाहिए और नए पिट्स को खोद लेना चाहिए, नहीं तो उनमें से डर्टी स्मेल आएगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। टर्निंग पॉइंट मीन्स सच अ पॉइंट विच मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट चेंज। चंपारण का जो एपिसोड है ये गांधी जी के लाइफ में एक ऐसा पॉइंट था जिसने उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लाया। गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही ऑर्डिनरी काम किया था चंपारण में। I declared that the British could not order me about in my own country. वो कहते हैं मैंने सिर्फ ब्रिटिशर्स को ये कहा था कि तुम मुझे मेरे देश में ऑर्डर नहीं कर सकते। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. Defiance means opposition, to oppose someone. Elevate means to reduce. अब जो चंपारण का एपिसोड है ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ये कोई ऑपोजिशन या ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए नहीं स्टार्ट हुआ था, ये सिर्फ एक ऐसा कोशिश था जो कि जो पेजेंट्स है उनके दुख को कम करने के लिए शुरू किया गया था। जो पेजेंट्स है वो इतनी मुसीबत में थे, इतनी प्रॉब्लम में थे, तो गांधी जी उनकी मदद करना चाहते थे। वो राजकुमार शुक्ला के कहने पर ही चंपारण गए थे, तो उनका एम ब्रिटिशर्स को अपोज करने का नहीं था, उनका एम ब्रिटिशर्स को भारत से जाने का कहने का नहीं था, उनका एम था इन पेजेंट्स की मदद करना। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। इंटरट्वाइंड मीन्स ट्विस्टेड टुगेदर। तो गांधी जी की पॉलिटिक्स करने का तरीका कैसा था, वो कभी भी पॉलिटिक्स किसी गेन के लिए नहीं करते थे, वो तो सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करते थे। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स आइडियाज। अब गांधी जी किसी आइडिया के पीछे नहीं चलते थे, वो किसी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते थे, वो सिर्फ लोगों के साथ लॉयल थे, लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो वर्क करते थे। अगर लोगों के साथ कोई इनजस्टिस होती थी उसके खिलाफ वो बोलते थे।
In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. Mold means to shape. गांधी जी जो भी एफर्ट करते थे वो ये कोशिश करते थे कि भारत को लोगों को भारतीय लोगों को आजाद करें, उन्हें इतनी हिम्मत दे सक्षम बनाएं कि वो अपने खुद के पैरों पर खड़े हो सके ताकि भारत फ्री हो सके, भारत आजाद हो सके। जब भारत के लोग आजाद होंगे उनमें इतनी हिम्मत और ताकत होगी कि वो अपने पैरों पर खुद से खड़े हो सकते हैं, वो खुद ब खुद दूसरे लोगों के शासन से बाहर निकल आएंगे और आजाद हो जाएंगे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड्स। हु इज अ पैसिफिस्ट? पैसिफिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइबल। So a person who is against war and violence, he is a pacifist. Charles Freer Andrews एक Englishman थे और वो भी war और violence के against थे। वो महात्मा गांधी के बहुत ही बड़े follower बन गए थे। वो गांधी जी को मिलने आए क्योंकि वो फिजी आइलैंड जा रहे थे एक ड्यूटी पर। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. अब गांधी जी के जो lawyer friends थे उनका ये idea था कि हम Charles Freer Andrews को भी अपने साथ मिला लेते हैं Champaran movement में ताकि हमें थोड़ा फायदा हो जाएगा अगर एक Englishman होगा हमारे साथ। Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. Vehemently means intensely, strongly. चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज तो गांधी जी के चंपारण मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। गांधी जी ने अपनी टीम को कहा, लॉयर्स को कहा कि तुम ये सोचते हो कि हमारी जो लड़ाई है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है जो कि ज्यादा पावरफुल है, तो ये एक अनइक्वल लड़ाई है और अगर हम एक इंग्लिशमैन को अपने साथ ऐड कर लेंगे तो हम थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसी सोच से ये पता लग रहा है कि तुम्हारे दिल में कमजोरी है, मींस तुम्हारा दिल इतना स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम ब्रिटिशर्स का सामना खुद से कर सको। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। गांधी जी ने कहा कि जो हमारा कॉज है, मींस जो रीजन है जिसकी वजह से हम ये रिवोल्ट कर रहे हैं, वो रीजन क्या है? पुअर पेजेंट्स जिनके साथ इनजस्टिस हुई है, तो हमारा रीजन बिल्कुल सही है, जस्ट है, इसीलिए हमें अपने ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा इस बैटल को जीतने के लिए, हम किसी और इंग्लिशमैन का सहारा नहीं लेंगे। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। प्रॉप हियर मीन्स अ सपोर्ट। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मिस्टर एंड्रयूज से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन है और एक इंग्लिशमैन अगर हमारे साथ होगा तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिप्लाई। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स टू डिपेंड ऑन वन सेल्फ एंड नॉट सीक सपोर्ट फ्रॉम समवन एल्स। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे माइंड को ठीक तरह से रीड कर लिया था, उन्होंने सही कहा था कि हम लोग एंड्रयूज की मदद लेना चाहते हैं क्योंकि हम खुद में अपने आप को स्ट्रांग नहीं फील करते। और फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं था लेकिन गांधी जी ने इस चीज से हमें ये सिखाया कि हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, हमें अपने ऊपर, अपनी शक्तियों पर, अपनी काबिलियत पर ही निर्भर करना है, दूसरे का सहारा नहीं लेना है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टूगेदर। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस भारत की आजादी एंड शेयर क्रॉपर्स की मदद। तो ये तीनों एक्टिविटीज गांधी जी ने इकट्ठे की इन द चंपारण मूवमेंट। ये तीनों चीजें इकट्ठे बाउंड थी, इकट्ठे जुड़ी हुई थी। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर इंडिगो। हियर वी स्टडीड इन डिटेल के चंपारण मूवमेंट से गांधी जी ने कैसे इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल शुरू की, व्हाट वाज द मेन कॉज,
what was the main factor that led to the spark that led to the freedom struggle of India. Thank you, students. I hope you like this chapter, and I'll be back with the next chapter soon. Take care and goodbye.